दोस्तों नमस्कार। दोस्तों माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब बाबा में आपका पहले तो वेलकम है। दूसरा, मैं आपको आज कुछ टॉपिक पे बात करने आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि क्या यूट्यूब से अर्निंग होती है, क्या यूट्यूब पे लोग वीडियो बना बना के डालते हैं, क्या उनको पैसा मिलता भी है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर किसी को कहीं बेनिफिट ना हो तो कोई एक रुपए का भी काम वहाँ नहीं करता, समझ रहे हैं आप। दूसरी बात, अगर आप YouTube चैनल बनाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि यार YouTube से अर्निंग होगी, बिल्कुल होगी, पैसा ही पैसा होगा, 100% होगी, बस आप मेहनत तो करिए, आप अपने टैलेंट को बाहर तो लाइए। साथियों, आप तो घर में बैठे रहोगे, सोचते ही रहोगे क्या मैं चैनल बनाऊं ना बनाऊं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको पैसा कमाना है, अपनी एक पहचान बनानी है, तो मैदान में कूद जाइए, उतर जाइए, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो क्या यूट्यूब से अर्निंग होती है, आज हमारा मेन टॉपिक है, क्या यूट्यूब से अर्निंग होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि आप यूट्यूब से अर्निंग कैसे करते हैं। और दूसरी बात, जो लोग यूट्यूब पे बड़े बड़े क्रिएटर हैं, अच्छी उनके व्यूज आ रहे हैं, मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, वो लोगों की अर्निंग कितनी है, वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और आप अपने फ़ोन से किसी भी चैनल की अर्निंग देख सकते हैं, वो कैसे देखेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में, मैं आपको पूरी एक एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगा। और ये बात कि आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? रुको जरा, सबर करो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप किसी भी YouTube चैनल की अर्निंग कैसे चेक करेंगे, तो अपने फ़ोन से। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि आप किसी भी चैनल की अर्निंग, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि जितने भी YouTube चैनल हैं, पहले मैं ये देखता हूं कि वो लोग उनके व्यूज कितने आ रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर कितने हैं। तो सबसे पहले हम YouTube पे चलते हैं, YouTube पे हम जाके देखेंगे। चलो कोई भी चैनल सर्च कर लेते हैं। चलो जैसे हम मान लीजिए मनोज भाई का हम चैनल हम सर्च करते हैं, मनोज डे हमने सर्च किया यहाँ पे यूट्यूब में, मनोज डे। अब मनोज डे भाई का हमारा चैनल यहाँ पे आ गया, ये देखिए मनोज भाई का हमारा चैनल आ गया, ये मनोज भाई का चैनल ओपन हो गया। अब मनोज भाई के सब्सक्राइबर देखिए आप, 4.76 मिलियन। दोस्तों मारो, मुझे मारो मारो, मुझे मारो मारो, नहीं ये मजाक है। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मामूली काम नहीं है, हमारे भाई ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है या इनसे भी आगे जाना है, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो चलो अब मनोज भाई की हम अर्निंग चेक करते हैं, ये हमारा भाई कितना अर्निंग मंथली कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इनका लिंक कॉपी करेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे सीधे क्रोम ब्राउजर में। अब क्रोम ब्राउजर में हम सर्च करेंगे सोशल, हाँ यहाँ पे अगर आपको, आप दो ऑप्शन डाल सकते हैं क्रोम ब्राउजर में, आप तो ये डाल दो हम यूट्यूबर इनकम चेकर, तो भी आपको दिखा देगा, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर डालेंगे सोशल, सोशल ब्लड, सोशल ब्लड के नाम एक साइड है सोशल ब्लड, उस पर हम क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर ही आएगा सोशल ब्लड, इस पर हमने क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन हमको मिलता है कि यहाँ पे किसी भी आप यूट्यूबर का, किसी भी यूट्यूबर का SYZ, उसका आप लिंक कॉपी करके लेके आओ, सीधे सर्च में यहाँ पे सोशल ब्लड में आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है ऐसे और सर्च कर देना है। अब देखिए मनोज भाई का हमारा पूरा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब समझ रहे हो ना, ये जरूर देखना है, मैं कहीं झूठ तो नहीं बोला हूँ। देखो मनोज भाई हमारे आ गए सीधा सीधा। अब हम इनकी अर्निंग चेक करते हैं, अर्निंग। अब देखिए दोस्तों अर्निंग क्या, एस्टीमेट मंथली अर्निंग यानी कि 4.9K से 79K तक। मनोज भैया की हमारी अर्निंग है, अब आप सोच नहीं सकते मंथली अर्निंग, आप हमको इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं $70,000 मंथली।
अब हम आपको इसको इंडियन INR में कन्वर्ट करके बताएंगे कि मनोज भैया की हमारे एक दिन की अर्निंग क्या है। अब हम यहाँ पे डालेंगे से 70,000। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, अभी डॉलर का जो रेट एक्चुअल वो 82 रुपये 80 रुपये से चला, हम 80 से ही चीज को सीधे डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मनोज भैया की मंथली अर्निंग देखो, 21,25,000, 10,000,000, 10,000,000, 56,000। बेटा माज कर दी, माज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, वो तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर। सोच सकते हैं कि आप दिमाग से बाहर जा रही होगी, बहुत ज्यादा दिमाग से निकल रहा होगा कि इतनी बड़ी अर्निंग। कंट्रोल वो भी एक यूट्यूब चैनल से, ये कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, आप मेहनत तो करिए। हमारे मनोज भैया ने मेहनत की है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है। आप जानते हैं धनबाद साइड के मनोज भैया हमारे रहने वाले हैं, और एक मिडिल क्लास फैमिली से, बिल्कुल छोटी सी फैमिली से, और उन्होंने शुरुआत कैसे करी, वो भी अपने एक छोटे से स्मार्टफोन हुआ करता था उनके पास, और एक उन्होंने ट्राइपॉड लिया, और वीडियो आपने देखा होगा, आप सर्च करना प्ले स्टोर उसमें, सॉरी यूट्यूब में आप सर्च करना कि मनोज भैया की फर्स्ट वीडियो, सीधे आपको निकल के आ जाएगी कि मनोज भैया हमारे कैसे वीडियो बनाते थे। आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि हमारे पास कैमरा नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारा स्टूडियो खुद का नहीं है, तो हम कैसे वीडियो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अरे दोस्तों, बहाने बनाने के लिए तो बहाने बहुत सारे हैं, लेकिन काम करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है। तो बस आज के लिए मैं इसी वीडियो पे, मैंने यहीं तक आपको कुछ बताना चाहा था, कुछ टॉपिक पे बात करी थी कि आप यूट्यूब चैनल अगर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए दोस्तों, बेझिझक बनाइए और दिल खोल के काम कीजिए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की ने। और अच्छा कंटेंट बनाइए, सबसे पहले आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, सारा कुछ सीख लीजिए, बहुत कुछ यूट्यूब में भरा पड़ा है, पूरा यूट्यूब आपको इतना ट्रेंड कर देगा, मास्टर बना देगा, बस आपको केवल अपने टैलेंट को बाहर लेके आना है और काम करना है। साथियों, आप बहुत अच्छी अर्निंग करने वाले यहाँ से, तो आपको मैं अब और ज़्यादा क्या बताऊँ, आप खुद ही समझदार हैं, बस आप जो है लग जाइए मेहनत पे, मेहनत करने के लिए डट जाइए, किसी भी एक कंटेंट को चूज कीजिए। तो जय हिंद।